हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चटाको बाय हर्षा। आज मैंने बनाई है पानी पूरी, और वो भी ज़्यादा मेहनत वाले नहीं। जो मैजिक ट्रीट नाम का पैकेट आता है जिसमें सब चीज़ें रेडीमेड होती है, उसी से मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट करने के लिए लाई थी जालानी का मैजिक ट्रीट पानी पूरी। तो अब हम उस पैकेट को खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें है 50 जितनी पानी पूरी। उसके साथ है उसमें खट्टा मीठा इमली पानी का पाउडर, और है पुदीना पानी का पाउडर। तो आपको कभी पानी पूरी खाने का मन हो और ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और साथ में है खजूर इमली की चटनी का पाउडर। तो यहाँ पे चार चीज़ें हैं और हर एक पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो अब सबसे पहले हम पूरी को तल लेंगे। तो वैसे तो दिखने में ये पूरी बहुत छोटी दिखती है, पर फ्राई होने के बाद काफ़ी बड़ी हो जाती है, आप देख सकते हैं ना। तो आप उसको अच्छे से फ्राई कर ले गरम तेल में, और फिर आपको पूरी यूज़ करने में आसानी होगी और आसानी से पूरी बन जाती है। पर हाँ, आपको ये टेस्ट पसंद आए ना आए वो आपके ऊपर है। ये सूजी की जो पूरी होती है उससे थोड़ी ये अलग होती है। अब हम बनाएंगे खजूर इमली की चटनी। तो इसके लिए हमें थोड़ा हल्का सा गर्म पानी लेना है, 50 ml जितना, और उसके अंदर जो पैकेट में खजूर इमली का चटनी का पाउडर है उसको खोल के अच्छे से मिला देना है। तो आपने कभी ऐसे रेडीमेड पैकेट से पानी पूरी ट्राई की है क्या? मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, अभी देखेंगे कि कैसी बनती है। तो ये खजूर और इमली की चटनी को आप अच्छे से मिला के साइड में रख दीजिए। अब हम बनाएंगे खट्टा मीठा इमली पानी वाला। तो इसके लिए हमें एक पतीले में या तो एक बाउल में 500 ml जितना पानी लेना है, यानी आप मेजरिंग कप से नापेंगे तो 2.5 cup जितना आपको पानी लेना है, और वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ml पानी लिया है, और उसी पानी में हमको सिर्फ वो पैकेट खोल के उसमें मिलाना है और उसको अच्छी तरह से घोल लेना है। यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा पाउडर बचा के भी रख सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद हो तो। तो मैंने उसमें 2 चम्मच गुड़ भी डाला था। अब हम बनाएंगे पुदीना पानी। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 500 ml पानी लिया है, और उसमें मैंने ये पूरा पैकेट डाल दिया, और अब हम उसको अच्छे से मिला लेंगे। तो पुदीना पानी में कलर उतना अच्छा ग्रीन नहीं आता है जितना हम फ्रेश पेस्ट से बनाते हैं, पर टेस्ट ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पानी भी रेडी हो गया। अब इन सब चीज़ों को हम एक साइड पे रख देंगे, और इसके लिए पानी पूरी के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए उबले हुए आलू लिए हैं, और उसको आप मैश भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे उसको बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो उबले हुए आलू को अच्छे से बारीक मैंने कट कर लिया, और उसके अंदर मैं थोड़े से उबले हुए काले चने भी ऐड कर दूँगी। तो मैंने चने और आलू उबाल के रखे थे जब मैंने पानी पूरी का प्लान किया था। आप खाली आलू का स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मैंने थोड़ा टेस्ट देने के लिए पुदीना और धनिए की जो पेस्ट होती है वो उसमें थोड़ी डाल रही हूँ,
और उसके साथ ही मैं डालूंगी उसमें थोड़ा सा काला नमक, जो कि नॉर्मल हम ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं वो नहीं है, ये जो ढाबे वाले यूज़ करते हैं वो है। तो ये हो गई हमारी पानी पूरी की सारी चीज़ें तैयार। तो लेट्स एन्जॉय द पानी पूरी एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर